आज हम बिजनेस लॉ में ICAP के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन है कि अंडर दोवीजनिएशन एंड इंडोर्समेंट तो ये दो टर्म्स जो है वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर है और सिंपली हमने इन दो टर्म्स को डिस्क्राइब करना है तो निगोसिएशन वर्ड निगोशिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना तो जब एक निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर कि एक तो होता है ना किसी के पास अमानत के तौर पर रखवाना या किसी को कलेक्शन के लिए देना कि भाई मेरे बिहाफ पर ये पैसे रिकवर कराओ वो तो एजेंट के तौर पर दिया लेकिन अगर आप उसको होल्डर बना देते हैं यानी उसको उस इंस्ट्रूमेंट का ऑनर बना देते हैं इस नियत से उसको ट्रांसफर करते हैं तो इस इंटेंशन के साथ ट्रांसफर करने को कहते हैं कि जी इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया एंडोर्समेंट सेकेंड टर्म पे बात करते हैं तो इंडोर्समेंट ये होता है कि जब कोई मेकर या होल्डर प्रॉमरी नोट हो तो उसके लिए वर्ड मेकर और बेल ऑफ एक्सचेंज है तो जो ओरिजिनली बनाता है वो मेकर और जो बाद में उसको होल्ड कर रहा है वो होल्डर दोनों में से कोई इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है अदरवाइज देन एज मेकर यानी जो ओरिजिनली बना रहा है उस तरह नहीं बाद में यानी फर्दर ट्रांसफर करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ निगोसिएशन यानी निगोसिएशन के लिए ही इंडोर्समेंट हो रही होती है निगोसिएशन एक कह लें कि गोल uh, है कि प्रोसेस uh, एक चीज है और उसका जो प्रोसेस है वो है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी तो निगोसिएशन कैसे होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट की निगोसिएशन बाय डिलीवरी होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की निगोसिएशन जो है वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होती है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी बेयर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिंपली डिलीवरी तो एंडोर्समेंट वो प्रोसेस है जिसमें साइन करके ट्रांसफर किया जाता है अब ये सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पर भी किए जा सकते हैं उसके फेस पर भी किए जा सकते हैं उसके साथ एक पेपर स्लिप ऑफ पेपर को अटैच करके उस पर भी किया जा सकते हैं और एक स्टाम्प पेपर जो है ना उस पर लिख कर इस इंटेंशन के साथ कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट बन जाएगा उस पर भी सिग्नेचर किए जा सकते हैं तो किसी भी वे में इंडोर्समेंट के सिग्नेचर मैंशन किए जा सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टू डे है गुड डे